मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत शिवपुरी जिले की एनजीओ संस्था या गरीब नवाज सोशल वेलफेयर सोसाइटी और शिवपुरी एकता फाउंडेशन द्वारा पुराने शिवपुरी के सुभाष चौक पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। देहात थाना टीआई विकास यादव द्वारा शपथ पत्र पढ़ते हुए वहां मौजूद नागरिकों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष फरमान अली, उपाध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, किस प्रकार का क्या कार्यक्रम था? वो जो है कि नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम है, काफ़ी दिन से आपको जैसे सभी लोग जानते हैं, जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से चलाया जा रहा है, तो शिवपुरी के अंदर जो है कि इसका ज़्यादा ही मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है नशे का, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो इसी की जागरूकता के लिए जो है कि हमने ये क्षेत्र चुना, क्योंकि इसका ज़्यादा ही जो मामले इस एरिए के अंदर आ रहे हैं पुराने शिवपुरी के, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम करके जो है कि लोगों को जागरूक किया जाए। नशे के लिए आप कुछ जनता के लिए मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल, जनता के लिए तो यही मैसेज है। सबसे पहली बात तो ये सभी लोग जानते हैं, चाहे से धरती का कोई भी प्राणी हो, कोई भी इंसान हो, तो यही मतलब नशा तो जो है कि सबसे ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो इसको जो है कि छोड़ दें आप, और कितने घर जो है कि तबाह हो चुके हैं इससे। आप अगर आंकड़े देखेंगे जाकर तो इसके बहुत सारे घर जो है तबाह हो चुके हैं, बीमारियाँ। मैं तो कुछ कैंसर हॉस्पिटल में रहा हूँ, तो आए दिन कितने केस इसके जो नशे से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसको तो बंद होनी चाहिए जी। आज आपने कैंप लगाया है, आगे तक और कब तक कार्यक्रम जारी रहेगा आपके आगे तक? ना ये अभी 30 नवंबर तक जो है जो कार्यक्रम कंटिन्यू चालू रहेगा हमारा वीकली, कम से कम स्कूलों में, ग्राउंड पर, सरकारी संस्थाओं में कहीं पर भी जो है। मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।